हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे IIT जेएम के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 2024 में IIT जेएम का पेपर दे चुके हैं आपको मैं बता दूं, और 2025 वाले भी देख लें क्योंकि आपको भी ये फेस करना पड़ेगा। आपकी एडमिशन लिस्ट जब आएगी उसके बाद आपको करना क्या है? अल्दो अभी एडमिशन लिस्ट नहीं आई, बट आपको पहले से प्रिपेयर रहना कि एडमिशन लिस्ट के बाद आपके पास क्या क्या आपको अप्रोच करनी है, कैसे आपको आगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो काम करना है, उस पर हम बात करते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर फर्स्ट एडमिशन काउंसलिंग लिस्ट, इसमें क्या कर सकते हैं काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद। उससे पहले एक चीज बता दूं, काउंसलिंग लिस्ट तो आप जाने लोगों, क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप IIT जेएम 2024 के या फिर 2025 के या फिर CUET 2025 के 24 के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए IFS की वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर एक एस्पिरेंट के हाथ में होनी चाहिए, उसके लैपटॉप में होने चाहिए अगर आप IIT जेएम के एस्पिरेंट हो। तो स्पेशली 2025 के बच्चे, आपको बेटा अगर पेपर का एनालिसिस जानना है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, तो बेटा पूरे पेपर के एनालिसिस हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पड़ी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर चाहिए आपको लगाने हैं तो सारे पिछले साल के 15 साल के पेपर एक ही जगह मिलेंगे आपको, इधर उधर नहीं भटकना है। IFSonline.com पे जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कीजिए सारे के सारे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लगा लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, IFS की वेबसाइट पे पढ़ मिल जाएंगे, टीचर के नोट्स मिल जाएंगे, कटआउट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप IFSonline.com पे जाके फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं, उनको सेव करके रखिए। अब हम बात आते हैं अपनी मेन इंपॉर्टेंट वीडियो पे कि सर जब हमारी फर्स्ट लिस्ट आएगी तो हमको क्या करना है। अब जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो आपने कोई ना कोई प्रेफरेंस डाली होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स स्टूडेंट है, उसने जो प्रेफरेंस डाली है उसमें मैं बात करता हूँ। उसने जो प्रेफरेंस डाली थी IIT बॉम्बे डाली थी, IIT कानपुर डाली थी, IIT दिल्ली डाली थी, IIT रुड़की डाली थी, IIT गांधीनगर डाली थी। मैं पांच में एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं समझाना चाहता हूँ। एक कोई एक्स स्टूडेंट है, उस एक्स स्टूडेंट ने ये प्रेफरेंस डाली थी काउंसलिंग फॉर्म भरते टाइम। अब फर्स्ट लिस्ट आ गई, फर्स्ट लिस्ट जब आ गई तो मान लो उस एक्स स्टूडेंट को IIT दिल्ली मिला फर्स्ट लिस्ट में, फॉर एग्जाम्पल उस एक्स स्टूडेंट को फर्स्ट लिस्ट में IIT दिल्ली मिल गया। अब उसके पास कितने कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, सारे बच्चों के लिए बता रहा हूं आपको कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का आपके पोर्टल। इसका क्या मतलब है, उस बच्चे को एक्स स्टूडेंट को अगर वो IIT दिल्ली जो मिली है वो उससे सेटिस्फाइड है, वो IIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तो वो पहले ऑप्शन को क्लिक करेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ध्यान से सुनना, सारे बच्चे इसी को अप्लीकेबल करेंगे, इसी को लागू करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हो फर्स्ट राउंड में जो आपको IIT मिली है, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहते हो, आप एकदम सेटिस्फाइड हो, यू आर प्रीटी श्योर कि यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर IIT, जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज, खत्म, टाटा बाय। एक्सेप्ट कर ली, सीट फ्रीज कर ली, आप अगले राउंड में परफॉर्म नहीं करना चाहते, अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ बिकॉज आपको जो IIT मिली है आप उससे बहुत खुश हो। बस आप ध्यान रखना, पेमेंट जरूर पेमेंट उसकी फीस जरूर पे कर देना, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, पहला तो हो गया इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड IIT इन फर्स्ट राउंड। जो IIT आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटेड हुई आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, बच्चा चाहता है कि मैं अभी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं, मुझे लगता है उसे लगता है कि सेकंड राउंड में अपग्रेड हो सकती है, नहीं भी लगता तो क्या ही लगता है। अगर वो मन से उसका मन कर रहा है अपग्रेड कराने का तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपने जो IIT मिली थी फर्स्ट राउंड में उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी सीट नहीं गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, अगर अपग्रेड होता है तो IIT कानपुर भाग जाऊंगा, IIT बॉम्बे मिल गया तो IIT बॉम्बे भाग जाऊंगा, बट नहीं मिलेगा तो IIT दिल्ली से सेटिस्फाइड हूं, एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर लिया तो इसका मतलब सीट बुक नहीं हुई, सीट आपकी बुक है, जस्ट आप अपग्रेडिंग में जा रहे वाले हो, अगर पॉसिबल होता है, नहीं होता तो आपने ऑलरेडी सीट बुक कर रखी है। क्या लिखा है, एप्लीकेंट एक्सेप्ट ऑफर सीट बट वुड लाइक टू अपग्रेड टू हायर प्रेफरेंसेस इन द सब्सीक्वेंट राउंड्स राउंड्स में नेक्स्ट राउंड में आप लोअर प्रेफरेंसेस के लिए क्लोज हो चुके हो, आप हायर प्रेफरेंसेस के लिए एलिजिबल हो। ये हो गया। तीसरा आता है कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका जो मन मोह माया से ऊपर उठ चुका है, जिसने कहा नहीं भैया IIT कुछ नहीं, हमको तो IIT में एडमिशन मिल चुका है, IIT में जाके क्या करेंगे, हमको IIT में मिल गया, उसने मान लो रिसर्च में TFR में ले लिया या फिर उसने IISER में ले लिया, तो वो बच्चा क्या करेगा,
रिजेक्ट एंड क्विट कर देगा, वो बच्चा रिजेक्ट कर रहा है, वो एडमिशन चाहता ही नहीं है, उसने क्विट कर दिया। तो इसी तरह से सीटें आपकी वैकेंट भी रह जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड क्यों आता है, रीजन इज कुछ बच्चे फर्स्ट राउंड में एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, इस वजह से आपके कई सारी सीटें ऐसी होती है जो खाली भी रह जाती है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, बाय चूजिंग रिजेक्ट एंड क्विट द एप्लीकेंट रिजेक्ट्स द ऑफर्ड सीट, ऑफर्ड सीट उसने रिजेक्ट करी है एंड वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू इन द एडमिशन प्रोसेस, और वो एडमिशन प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, द सीट ऑफर्ड टू द एप्लीकेंट वुड बी कैंसिल्ड एंड द एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द राउंड्स ऑफ द एडमिशन। सिंपल सी बात है। बट फॉर रिजेक्ट एंड क्विट डिसीजन एप्लीकेंट विल रिसीव अ वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी मांगेगा। ऐसा नहीं कि कोई क्या पता उसका फोटो किसी और दूसरे बच्चे के पास हो, मान लो कोई एक ऐसा है दोस्त उसका दोस्त चलता है, उसने पोर्टल धोखे से कहीं से पासवर्ड छीन लिया, लॉगिन कर लिया, उसको मिला और उसने रिजेक्ट एंड क्विट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ओटीपी आएगा और सही बात आना भी सिक्योरिटी पर्पस से पता लगा कोई और का रिजल्ट बच्चे का करियर का सवाल। ठीक है, तो ओटीपी आएगा आपके फोन पे, तभी आप कर सकते हैं रिजेक्ट एंड क्विट। सीट बुक तब होगी जब आप फीस पेमेंट करोगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपके लिए 15,000 फीस है, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आते हो तो आपकी सीट बुकिंग 75,000। ऐसा मत समझना ये एक्स्ट्रा फीस जा रही, नहीं, ये जब आप सीट बुक करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आईआईटी दिल्ली, उस बच्चे ने बुक किया और उसको आईआईटी दिल्ली में ही एडमिशन लेना पड़ा, उस नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, तो बेटा जिस भी आईआईटी में जाओगे, जैसे वो बच्चा आईआईटी दिल्ली में जाएगा, तो ये वाली जो फीस है ये आपके सेमेस्टर वाली फीस में ऐड हो जाएगी। इसलिए घबराओ मत, ऐसा मत समझ लो कि सीट बुकिंग की फीस 15,000 है, ऐसा मत समझ लेना। यहाँ पे जो फीस है आपकी सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट सेम की जो फीस है, फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट सेम की जो फीस है मान लो 60,000 एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी 15,000 पेड करके आप आईटी दिल्ली में गए हो, तो अब आपको आईटी दिल्ली में जाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो डिफरेंस है, वही आपको पे करना पड़ेगा 45,000। यहाँ पे क्या लिखा, the seat booking fee will be transferred to the application and will be adjusted against the entry at the time of admission, simple, right? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो जो बच्चे आईआईटी जन 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है 2025 में आईआईटी में जाना, तो भाई नया बैच चल रहा है और अभी फ्लैट 50% ऑफ है, 10K का कोर्स 5K में मिल रहा है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए। बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ 13 तारीख को, इसमें फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, 10K का कोर्स 5K में मिल रहा है। ifsonline.com पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।